हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है और ये रिटेल इन्वेस्टरों के लिए आई ओपनर का काम करेगा। आज इस वीडियो में हम लोग अदानी ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी अदानी टोटल गैस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इसमें लोअर सर्किट में स्टॉक चल रहा है। और अगर इसके हाईएस्ट प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 1700 के आसपास देखने को मिल रहा है, जबकि इसके 52 वीक लो 143 रुपीज़ पर देखने को मिले थे। तो दोस्तों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्टॉक क्यों लगातार गिर रहा है। इसके पीछे जो न्यूज़ हैं आप सभी जानते हैं कि एक बार तो अकाउंट फ्रीज की बात आई, फिर दूसरे बार इसका खंडन किया गया और अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक में भारी बिकवाली देखने को मिली और ये स्टॉक अभी भी लगातार लोअर सर्किट पर चल रहा है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अदानी ग्रुप के मैक्सिमम स्टॉक में डेट बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। एकमात्र अदानी टोटल गैस कंपनी एक ऐसी इसकी कंपनी थी, गैस कंपनी थी, जिसमें कि हम लोगों को डेट लेवल काफ़ी कम देखने को मिल रहा था। उसके बावजूद इस स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अदानी गैस में जो लोअर सर्किट लग रहा है, ये इस स्टॉक को किस प्राइस पर ले जा सकता है। इस पूरे वीडियो में हम लोग इसके इंट्रेंसिक वैल्यू को लगाने की कोशिश करेंगे कि अदानी गैस का एक्चुअल इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए और ये अभी किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि अदानी गैस किस भाव पर जा करके स्टेबलाइज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसने पिछले एक मंथ में ही तकरीबन 20% से ज़्यादा की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। तो अब ये स्टॉक कहाँ जाएगा? तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि अदानी टोटल गैस के फंडामेंटल्स कैसे देखने को मिले थे, क्या इसके फंडामेंटल्स खराब थे। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 28% जो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.2% बहुत ही बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग 74.8% जो काफ़ी अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑलमोस्ट 17 टाइम्स जो कि बहुत ही बेहतरीन है और डेट इक्विटी 0.27। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। तब फिर इस स्टॉक में गड़बड़ी कहाँ हो गई कि ये लगातार अभी भी गिरावट में देखने को मिल रहा है। अगर इसके इंटरेस्ट बर्डन को भी देखें दोस्तों, तो 704 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में इनका इंटरेस्ट बर्डन 40 करोड़ देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी कम है। तो डेट के हिसाब से भी इसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिल रही है और इसके सेल्स भी देखिए लगातार इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में 8% CAGR के रेट से बढ़ते हुए देखे हैं, जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 42% CAGR के रेट से हम लोगों ने बढ़ते हुए देखे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि अदानी टोटल गैस के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं, उसके बावजूद ये स्टॉक क्यों गिर रहा है। तो क्या इस न्यूज के वजह से ये इस स्टॉक का वैल्यूएशन जीरो हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, फंडामेंटली तो अभी भी ये काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग इसके जो एक्चुअल प्राइस हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू हैं, उसको हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग पियर्स कंपनी में इसके जो पी रेशियो को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए अदानी टोटल गैस का पी रेशियो 244 देखने को मिल रहा है, जबकि इस स्टॉक में 20% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हो गई है। उसके बाद भी ये तकरीबन 250
50 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जब ये अपने हाई पर चल रहा था 1700 के आसपास, तो इसका पी लगभग 300 के आसपास हम लोगों को देखने को मिल रहा था। अब सेम सेक्टर में गेल इंडिया की बात करें तो इसका पी वैल्यूएशन दोस्तों तकरीबन 11 है। इंद्रप्रस्थ गैस, इसका पी वैल्यूएशन तकरीबन 33 है। सेम सेक्टर में काम करने वाली महानगर गैस, इसका पी वैल्यूएशन तकरीबन 19 के आसपास है। तो आप यहाँ पर खुद ही देखिए दोस्तों कि ये कितने हायर पी वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो ये काफ़ी महंगा था और इसके जो प्राइस थे दोस्तों वो काफ़ी इन्फ्लेटेड थे, कारण जो भी रहा हो, लेकिन इसके प्राइस इन्फ्लेटेड थे, जो कि इसके पी रेशियो से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है। और भी यहाँ पर आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिसको देख करके आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अदानी गैस टोटल जो सेल्स करती है वो तकरीबन 1700 करोड़ के आसपास करती है, उसमें इसका प्रॉफिट जो निकल करके आता है 471 करोड़ निकल करके आता है। अब वहीं पर दोस्तों इसके जो पियर्स कंपनी है महानगर गैस लिमिटेड, ये भी सेम व्यवसाय में है, तो इसके अगर हम लोग नेट सेल्स की बात करें तो ये अदानी गैस से ज़्यादा नेट सेल्स करती है, रिपोर्ट करती है, और इसके प्रॉफिट भी जो हैं वो अदानी गैस से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये स्टॉक कितने पर चल रहा है दोस्तों? ये 1160 पर चल रहा है। अब आइए बात करते हैं IGL, ये भी सेम सेक्टर की कंपनी है। इसके जो बिजनेस हैं दोस्तों ये अदानी गैस से 3 times ज़्यादा ये नेट सेल्स रिपोर्ट करती है, और इसके प्रॉफिट हैं वो अदानी गैस से 2 times से ज़्यादा नेट प्रॉफिट ये रिपोर्ट करती है, और इसके स्टॉक प्राइस हैं दोस्तों 550 के आसपास। वहीं पर अगर गेल इंडिया की बात करें, जो कि सरकारी क्षेत्र से ही आती है, तो यहाँ पर इनके नेट सेल्स अदानी गैस के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये तकरीबन 4 times से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जबकि इनके नेट प्रॉफिट ये भी अदानी गैस से 10 times देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अदानी गैस के जो वैल्यूएशन है, नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स जो हैं, बाकी कंपनियों के बनिस्पत काफ़ी कम है, उसके बावजूद इस कंपनी के जो मार्केट कैप है बाकी कंपनियों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं अदानी टोटल गैस, जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं, उसके बावजूद इसके प्राइस को इन्फ्लेटेड रखा गया है। और यही वजह है दोस्तों कि जब इसमें एक कारण मिल गया मार्केट को इस स्टॉक की पिटाई करने के लिए, तो ये लगातार ये गिरावट के मोड में चल रहा है। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो गिरावट है ये कहाँ तक जा सकती है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को अदानी गैस के इंट्रेंसिक वैल्यू पर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर अदानी गैस का इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हमने एक एक्सेल शीट पर इसके सारे डेटा को एकोमोडेट किया है, और इसके फॉरवर्ड EPS को लगाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और दोस्तों इस संबंध में मैंने एक वीडियो 3 नवंबर 2020 को भी अपलोड किया था, उसमें भी अदानी गैस के इंट्रेंसिक वैल्यू की बात मैंने की थी, जिसके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद भी आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि एक्सेल शीट पर हम लोगों ने क्या प्रोजेक्ट किया है। तो FY21 के लिए जो अदानी गैस अपना EPS रिपोर्ट की है ये 4.29 है, और अगर इसके जो प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाए, इनके हाई पी और लो पी की बात करें और एवरेज पी के, तो ये तकरीबन 39.21 एवरेज पी पर ये स्टॉक ट्रेड करता था, जबकि इसके हाई पी का एवरेज तकरीबन 51 के आसपास था और लो पी का एवरेज तकरीबन 28 के आसपास देखने को मिला था। और इन सारे आंकड़ों के आधार पर दोस्तों हमने इनके प्रोजेक्टेड EPS लगाने की कोशिश की है, और पूरे 2031 तक के EPS हमने लगाए हैं,
20% CAGR के रेट से हमने इसके ग्रोथ को दिखाया है EPS के, और जो EPS निकल करके आ रहा है दोस्तों 2031 में वो तकरीबन 26.56 देखने को मिल रहा है। और इस हिसाब से दोस्तों 2031 के प्राइस की बात करें अदानी गैस के, तो इसका मैक्सिमम प्राइस 1350 और एवरेज प्राइस 1050 देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये 1700 पर जा करके ये ट्रेड कर रहा था, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये स्टॉक नॉर्मल केस में भी इस प्रकार के ग्रोथ दिखा रहा था, ये अपने 2031 के भाव से भी जा करके महंगा ट्रेड कर रहा था, काफ़ी इन्फ्लेटेड प्राइस में जा करके ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों अब बात आती है कि वर्तमान में इसका प्राइस कितना होना चाहिए। तो अभी दोस्तों FY21 के रिजल्ट सामने आ गए हैं और इसके EPS भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 4.29 देखने को मिल रहे हैं, और इस EPS के हिसाब से जो अदानी गैस के मैक्सिमम प्राइस होने चाहिए वो 218 रुपीज़ के आसपास होने चाहिए और एवरेज प्राइस 170 के आसपास होने चाहिए। तो ये दोस्तों ये इंट्रेंसिक वैल्यू की बात है जो कि मैंने आपके साथ साझा की। तो आप खुद ही अब डिसाइड कर लें कि अदानी गैस में कहाँ तक गिरावट हो सकती है, आप खुद ही इन सारी डिस्कशन को ध्यान में रख करके आप अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये एनालिसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको काफ़ी लॉजिकल लग रहा होगा। और आपकी भी राय अदानी गैस के ऊपर कुछ है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।